हाय फ्रेंड्स, शाखा मामा शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की एक बहुत ही फेमस मिठाई जिसे हम कत्त कहते हैं। ये पंच रत्न से मिलके बनती है, पांच चीजों से मिलकर बनती है और बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। इस मिठाई को हम दाल बाटी बाफले वाला जो खाना होता है, देसी घी से जो बना होता है, उसके साथ में बनाया जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल मिठाई है। आइए राजस्थानी पंचधारी कत्त बनाना शुरू करते हैं। इस बर्फी को बनाने के लिए जो सबसे पहला रत्न, जो सबसे पहली चीज हम एक बोल में डाल रहे हैं, वो है मूंग की दाल का आटा 1 कप, आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। सूजी से मिठाई अच्छी दानेदार बनेगी, दरदरी बनेगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 4 तरह के आटे डाल दिए हैं। अब जो पांचवी चीज हम इसमें डालेंगे, पांचवा रत्न, वो है देसी घी। 1/4 कप देसी घी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो सारे आटे में अच्छे से लग जाए। घी को चारों तरफ सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। घी आटे में अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और टाइट आटा गूंध लेंगे। आटे को हमने सख्त गूंध लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं और इस तरह हाथों से दबाकर मुठिया बनाएंगे। इसे हम मुठिया कहते हैं। सारे आटे की इसी तरह हम मुठिया बना के रख लेंगे। सारे आटे की हमने मुठियां बना के रख ली हैं। अब हम इन्हें देसी घी में तलेंगे। हमने एक पैन में सफिशिएंट देसी घी ले लिया है और गैस स्टोव ऑन करके देसी घी को गरम कर लेंगे। अब घी गरम हो चुका है। घी को बहुत ज्यादा नहीं गरम करना, थोड़ा वार्म ही रखना है। अब हम एक एक करके मुठियां डाल रहे हैं और फ्लेम अभी लो पे है। फ्लेम को हम तेज नहीं करेंगे, नहीं तो मुठियां बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बस अब हम इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मुठियां अंदर तक अच्छे से पक जाएं। बीच बीच में हम इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से मुठियां अच्छे से पक जाएं और इन्हें हम तब तक हल्की आंच पे इसी तरह पकाते रहेंगे जब तक कि मुठियां क्रिस्प और ब्राउन ना हो जाएं। मुठियां अच्छे से सिक चुकी हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और क्रिस्प हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल के एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप मुठियों में क्रैक्स देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह पड़े हैं। इसका मतलब है कि मौन अच्छे से डला है। घी जब हमने आटे में लगाया था तो वो आटे में अच्छे से लगा है। मुठियां अच्छे से सिक चुकी हैं और इन्हें हमने कढ़ाई से बाहर निकालकर एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसी तरह बाकी की मुठियां भी हम फ्राई कर लेंगे। जो मुठियां हमने फ्राई करके बोल में ट्रांसफर की हैं, वो अभी गरम है। हम इन्हें गरम गरम में ही इस तरह तोड़ लेंगे। ठंडा होके तोड़ने से मुठियों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुठियों को हमने अच्छे से तोड़ के रख लिया है। कढ़ाई में जो हमने मुठियों का दूसरा बैच सिकने के लिए रखा था वो अच्छे से क्रिस्प और ब्राउन हो चुका है। अब इन मुठियों को भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल कर दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और गरम गरम में ही तोड़ लेंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें पीसेंगे।
जो मुठियां हमने तोड़ के रखी थी अब वो ठंडी हो गई हैं, उन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। पहले हम आधी पीस रहे हैं, बाकी की हम सेकेंड लॉट में पीसेंगे। मुठियों को हमने इस तरह दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक मोटी छाननी से छान लेंगे। मिक्सचर को मोटी छाननी में छानने के बाद जो पीसेस रह गए हैं उन्हें हम फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। मिक्सचर को हमने दरदरा पीस लिया है। इसी तरह हम अब दूसरा लॉट भी ग्राइंड करके मोटी छाननी से छान के रख लेंगे। अब इस सारे मिक्सचर में हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून पिसी हुई छोटी इलायची और 1.5 कप बूरा पिसी हुई चीनी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। मिठाई थोड़ी कलरफुल और जानदार दिखे इसलिए हम इसमें कुछ बूंदे ऑरेंज फूड कलर की डाल रहे हैं। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप चख के देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज में और मीठा डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पिघला हुआ देसी घी डाल रहे हैं। राजस्थान की मिठाइयों में खुल के देसी घी पड़ता है, तभी तो इनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है और ये जमने में भी मदद करता है। अब इसे हम इस तरह दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इस स्टेज में डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हम अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रहे, लेकिन मिठाई को डेकोरेट करने के टाइम हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इस मिक्सचर को हम एक मोल्ड या ट्रे में डालेंगे जमने के लिए। मोल्ड को हमने अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है और मिक्सचर को हम मोल्ड में डालकर अच्छे से लेवल कर लेंगे। इसे आप इस तरह किसी ग्लास से दबा दबा के लेवल कर सकते हैं या फिर किसी पैलेट से भी इस तरह दबा के लेवल कर सकते हैं। हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से लेवल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा देसी घी डाल रहे हैं जो कि इसके अंदर तक चला जाएगा। स्वाद तो इसका बढ़िया आता ही है, ये मिठाई मुंह में डालते ही घुल जाती है। अब घी को हम चारों तरफ हल्के हाथों से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी पिसी हुई चीनी इस तरह छाननी में डालकर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा रहे हैं जिससे कि मिठाई दिखने में और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। कलरफुल होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत दिखेगी, इससे मिठाई में 4 चांद लग जाएंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं जैसे कि पिस्ता, बादाम, आप आपकी चॉइस के कोई भी नट्स डाल सकते हैं, और पैलेट से हम फिर से इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद एक बार फिर हल्के हाथों के साथ हम इसे लेवल कर लेंगे और 1 से 2 घंटे के करीब इसे जमने के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। अब बर्फी अच्छे से जम चुकी है, इसे हम पीसेस में काट लेंगे। राजस्थानी पंचधारी कत्त अब तैयार है। ये ट्रेडिशनल मिठाई बहुत ही स्वाद बनती है और खाते ही मुंह में घुल जाती है। आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग शाखा ममा शेफ़।